वैसे सच बता रहा हूँ, ये ओमेगा से ज्यादा सुंदर लग रही है वैसे, है ना? ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि कल रात मैं ओमेगल कर रहा था एंड भाई मेरे को एक लड़की मिली ओमेगल पे, एंड वो रहती है नोएडा में, यही मतलब पास में यहाँ से होगी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर होगा कम से कम। तो मैं सोच रहा था कि कल मैंने इसे बोल दिया था उसको जोश जोश में कि भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मिल लेता हूँ जा करके। एंड यस, ये पहली बार है कि मैं सही में सीरियसली किसी ओमेगल पे मिला किसी से एंड उसे मिलने जा रहा हूँ रियल लाइफ में। लिटरली भाई मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा। भाई चलते हैं, मिल के आते हैं यार। आज पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी साफ सुथरी मिल गई है ना प्रतीश भैया? मैं आ रहा हूँ ना इसलिए। हाँ, कल प्रतीश भैया भी बैठे थे ओमेगल पे एंड चलो भाई अभी चलते हैं, निकल गए यहाँ से, रियल लाइफ ओमेगल हो रहा है भाई कदम से। तुम लोग भी देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ब्लॉग। एक घंटे दूर है भाई, एक घंटे लिटरली, बट चलते हैं। रहा नहीं जाता, बार बार ये लड़कियों के सामने खास करके बेइज्जती करता है। लो फ्यूल, योर कार हैज लो फ्यूल, जब भी कहीं जाओ लो फ्यूल, इसलिए भरा लेना जरूरी है डीजल यार। पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस। ओके दोस्तों, ये आ गई इधर। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? 12 बजे बोल के कितने बजे आ रहे हो? 3:15। अरे यार हम सोते रहते ना एक्चुअली। अब ये बता तू चलना कहाँ है? मुझे नहीं पता। नोएडा है ना, हम तो नोएडा में, मैं तो घूमता नहीं हूँ, तो तू ही बता सकती है किधर चलना। आपको डिसाइड करना चाहिए था ना, आप आ रहे थे मिलने, तो किधर जाना है? किधर जाए? मैं क्यों यार, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ खाने मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीते हैं। हाँ चलो। तो गाइस मैं ओमेगल पे बहुत शेर बनता हूँ पता है, मेरे सामने कभी कोई लड़की आई ना तो मेरी फट जाती है, मैं कुछ बोल नहीं पाती, यही सीन हो रखा है अभी इधर। बाकी हम लोग ये बड़े लोग हैं, ये जूस पीते हैं और हम घर रहे लोग हैं, हम चाय पीते हैं। क्या उत्तराखंड? ये दोनों दोस्त बन गए पहले यार, ये गलत बात है, ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को यार, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग करने, है ना? तेरे को आती है गो कार्टिंग? मतलब एक बार करी है मैंने, पर वैसे अच्छे से नहीं आती, टूटी फूटी कर। आज देखते हैं, आज देखते, चलो पहले तो बेइज्जती करा दी। कोई नहीं कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं और गो कार्टिंग करने चलते हैं दोस्तों फिर से। और इस बार नोएडा में कर रहे हैं तो फिर हाँ, मतलब मैं गुड़गांव में ना करता रहता हूँ गो कार्टिंग बहुत ज्यादा। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं, इन्होंने ना पहले कल मिलने को बोला था, ठीक है? और मेरा कॉलेज था, ठीक है? 3 बजे मैंने इनको बोला कॉलेज के बाहर आ जाना, ठीक है? इन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। फिर मैंने कॉलेज में 1 बजे भी फोन करके पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं घर चले जाऊंगी, तो आप उधर? कहते हाँ मैं उधर आ जाऊंगा। फिर इनका मैसेज आता है मेरे को शाम को 5 बजे की, यार कल ही करते हैं कि मैं सो गया था। और फिर आज भी इन्होंने मेरे को बोला 12 बजे आ जाऊंगा, ठीक है? यार कल पता है क्या हुआ, कल मैंने इसको बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और मैंने ये बोला कि आ रहा हूँ और मैं सो गया आधे घंटे, सोचा आधे घंटे सो के उठता हूँ फिर तो चला जाऊंगा, और फिर सीधा मेरी नींद खुली शाम के 6 बजे। क्या करता हूँ फिर? अभी सुबह 12 बजे का बोल के ये 3:15 पे पहुँचे, ठीक 3:15। आज ट्रैफिक था ना इसीलिए निकल, तो मैं 12 बजे 12 बजे निकल गया था, ट्रैफिक में फंस गया। वेट नहीं कराना चाहिए, जो टाइम बोला है ना उस टाइम पे ठीक आ जाना चाहिए। अरे यार क्या करूँ मैं। मैं पहले ये देख रहा था, डिसाइड कर रहा था नींद प्यारी है कि लड़की। दिख गया सबको, दिख गया नींद प्यारी। नहीं वो कल नींद प्यारी थी, आज आज तो इधर आ गया मैं। आज आलस आ रहा था बड़ा, मैंने कहा उठना तो है अब, जाना तो पड़ेगा। देखो चलो भाई चलते हैं अभी गो कार्टिंग करने पहले तो। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ कहीं आ गए, कहाँ है ये? ये है GIP मॉल में। सब पता है, देखो बोलती है घूमती नहीं हूँ। अरे मुझे पता नहीं है, बस हम तुक्के से जा रहे हैं, मतलब लोकेशन में तो ये दिखा रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ पे है, वाटर पार्क भी है यहाँ पे, वाओ। यहाँ पे वाटर पार्क भी है और यहाँ पे गो कार्टिंग भी है, तो चलो ढूंढते हैं पहले तो। ओके दोस्तों, ये आ गई हमारी गो कार्टिंग, चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ का जो गो कार्टिंग है ना, सीरियसली दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ का बहुत बड़ा है। मैं गुड़गांव में करता था पहले, लेकिन यहाँ कभी नहीं किया था, यहाँ पे ट्राई करते हैं आज, यहाँ बहुत बड़ा है। देखो ये इतना बड़ा ट्रैक है भाई, यहाँ तो ज्यादा मजा आएगा तेरे को। तूने किया है कभी गो कार्टिंग? एक बार की है बस, आती नहीं है मुझे, केरला में करी थी। केरला में? चलो यहाँ करके देखते हैं, यहाँ ज्यादा बेहतर है। चलो भाई चलो, ये भी ब्लॉगर है दोस्तों, जा करके देखना। क्या नाम है चैनल का तुम्हारा? कनिका देवरानी। इसमें सारे ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कर लेना कनिका देवरानी, ठीक है? मेरे फॉलोइंग में मिल जाएंगे तुम्हें। यस गाइस, मैं सबसे पहले सारी लड़कियों को फॉलो कर लेता हूँ। बड़े हरामी हो बेटा। ओके गाइस, हम सब तैयार हो चुके हैं, चलते हैं गो कार्टिंग करने। लेट्स गो। हो चुका है भाई अभी
इसको मैंने 20 बार पीछे किया होगा 20। अभी देखते भाई स्कोर यहाँ आएगा कि किधर आएगा। पता है क्या, मेरी पहले राउंड में ही रुक गई थी कार्ड। हाँ कुछ भी नहीं, पता नहीं शायद दोनों एक साथ दबा दिए। तेरा नाम ही नहीं है। तो दोस्तों फाइनली कनिका सबसे लास्ट में आते हुए इसका स्कोर बोर्ड पे नाम ही नहीं था। गाइस पता है क्या, ये लोग अभी पहली बार आए हैं मेरे यहाँ, पहली बार आए ना इधर, तो मैंने सोचा इनको जीतने का मौका देते हैं, खुश हो जाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम देखना। हाँ ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। ठीक है, फिर से देखना। मैं रितेश भैया ने मतलब ऐसे कमाल कर दिया आपने यार। ये पहले बोलते थे हम विश्वास नहीं करते थे इनकी बातों पे, अब मानना पड़ेगा, एक्सपर्ट है भाई। मैम भी सिखाइए कुछ। पता है ये गो कार्ट बहुत अच्छा चला लेते हैं, बस रोड पे गाड़ी नहीं चला पाते कभी कभी। साले तू ये क्या है दोस्तों, यहाँ वो ऊपर बैठ के खाने का क्या शौक है भाई। हम लोग सब आते हैं कल, तब करेंगे ऊपर। और वहाँ पर ना कनिका का लाया हुआ टिफिन खाएंगे। हाँ, क्या लाना है आप, क्या खाओगे मेरे हाथ का बताओ, खाना अच्छा बना। सब बना लेती है, सब नॉन वेज छोड़ के। वैसे सच बता रहा हूँ, ये ओमेगा से ज्यादा सुंदर लग रही है, है ना। जहाँ कुड़ी देखी वही पुड़ी बांधना चालू। उसको भूख लग गई है और ये ऐसे ही घुमा रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ खिला दे पिला दे। हैं मेरे को तो चल भूखा रखता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हाँ। तो कम से कम खिला दे कुछ। हम गो कार्टिंग कर रहे थे ना, तो कैसे खा लेते वहाँ पे। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग DLF आए हैं, अभी कुछ खाएंगे पहले, तो उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कहाँ जाना है नहीं जाना। इन्होंने गलती से किंग लिख दिया, वैसे मैं क्वीन हूं, ऐसे ही घूमूंगी अब मैं। ओके गाइस भूख लग गई थी तो अभी ये आ गया। क्या हुआ तेरे को, क्या बता रही थी तू? देखो लड़के पहले इंस्टा पे मेल भेजते, वो मेल बोली में DM करते, रिप्लाई ना करो तो वो मेल भेजने लग जाते मेल ID पे। ये पढ़ो और भी मेरे को भी ऐसे लड़कियां कर दिया करो यार मेल कुछ। प्लीज डू लेट मी नो, हैव यू रेड द लास्ट मेल, इट सीरियसली मैटर्स टू मी, प्लीज। देखो ऐसे लड़कों के फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाता है। कैसे बताऊं तुझे कितना है प्यार वे, रब दिखता है तुझ में। आई एम टोटली क्रेजी अबाउट यू टुडे। ये लड़कों के मेल है भाई, ऐसे मत हंसो यार। मैंने भी बहुतों को मेल किया है ऐसे, कहीं से रिप्लाई नहीं आया है। ऐसी लड़कियां थी सारी की सारी। मेल वेल पे प्रपोज मत मारा करो, सामने से मारा करो, है ना। सही बात है। इसको देख भाई कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। तो ठीक है ना, हम पहाड़ी लोग हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बार पता है तुमको, कोई भी कहीं से कोई लड़की आए, कोई भी कुछ भी आए, कभी भी हम लोग किसी से भी मिलते हैं ना, तो सबसे पहले प्रीतेश भैया उसके भैया बन जाते हैं। ये देखो प्रीतेश भैया, ये देखो भाई बहन, हम दोनों पहाड़ी पहाड़ी भी है ना, तो हम भाई। ये देखो तुरंत मिलते ही भाई बहन बन गए। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद भैया से, भैया वाली वाइब आती है। पर नहीं, कोई सिंगल लड़की हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमें भैया की शादी करानी है जल्दी, ताकि हम भैया की शादी में नाच सकें और भैया की शादी का खाना खा सकें भर भर के। ओमेगल किंग और मैं क्वीन। आ गया ये ना, कितनी शर्म आ रही है यार। Okay. हाँ तो गाइस हमने बर्गर किंग की टट्टी बर्गर खा। हाँ यार बहुत ही बेकार था, बासी सा हो रहा था, खा के निकल गया। अभी पेट भर गया आपका? बड़ा स्ट्रीट फूड। हाँ चलते हैं फिर, उसके बाद देखते हैं आज क्या प्लान है। ओके गाइस हम लोग मॉल से निकले एंड भाई यहाँ थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए आ गए, क्योंकि मॉल में तो हमें बासी बर्गर मिला खाने को। हाँ यार वो अच्छा बर्गर हो नहीं रहा था, मजा नहीं आया, और मॉल से निकलते ही अंधेरा हो गया भाई। और हंसाओ मत यार आप। और कनिका ने मेरे को बोला कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कोई ब्रह्मपुत्रा मार्केट है नोएडा में, तो स्ट्रीट फूड मिलता है ना यार। चलो चलते खा के देखते हैं। चलो प्रदेश भैया आप तो खुश हो गए आज, तो पूरे दिन खाने के। भैया के कान देखो, भैया के कान, नई चीज खरीदी है मैंने। भैया यार प्रीतिश भैया सबके भैया बन जाते हैं यार। प्रीतिश भैया जगह तू खास दे, जगह तो मतलब ही नहीं होता कि इनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो मतलब ही होता कि ना नु तकलीफा ना डील करना होता। बिल्कुल सही। दोस्तों अभी हमने खाए मोमोज वगैरह, है ना, क्या खाया कनिका? अभी हमने मोमोज खाए थे। हाँ। अब हम खा रहे हैं आदर्श की फेवरेट चाट। हाँ। और ये हमारी पापड़ी चाट आ चुकी है, ठीक है मैं टेस्ट करूँ कि पहले आप टेस्ट करोगे? नहीं टेस्ट करके बताओ। मैं कर लूँ, खाते कैसे हैं? मोमोज इतने अच्छे नहीं हो रहे थे यार, बट चाट तो अच्छा ही होगा। बढ़िया है, 10 out of 1000। मैं पहली बार खा रही हूँ पापड़ी चाट। मैं तो यही खाता रहता हूँ दोस्तों, इसी पे जिंदा हूँ अभी तक। बहुत बढ़िया, आनंद। ओके गाइस तो खा पी लिया मस्त, अब चलते हैं घर, है ना, टाइम हो गया काफी। हाँ यार बहुत रात हो गई है, बहुत रात तो नहीं हुई, मतलब वही 9-10 बज गए, 9:30-10 हो गए। हाँ तो अब 11 बजने वाले हैं, तो अब चलते हैं, तेरे को घर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा साके। ओके गाइस तो इसका घर आ चुका है और अब जा रही है ये, ठीक है फिर मिलते हैं हम। अब मिलते हैं, ओमेगल बनाएंगे साथ में, ठीक है, डन, अगली बार नेक्स्ट टाइम मतलब।
ओमेगल से कैसे लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसा लगा? मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मेरी बार बार उधर से रिश्ते लगे, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कि वैसे मैं अच्छा आदमी तो ही, मेरे से मिलके सबको अच्छा ही लगता है। देखता हूँ, चलो बाय यार। ओके बाय गाइस, बाय। तो चलो चलते हैं भाई घर के मैप, घर का मैप लगाते हैं, चलते हैं भाई। और प्रतीश भैया, हाँ ये तो वैसे में ज्यादा सुंदर है यार, है ना? मैं क्या बोलूं, मेरी तो बहन है।